लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया और बीजेपी के बीच में एक और भिड़ंत होना है जो दोनों की ताकत को साफ कर देगी कि किस दल के पास कितना समर्थन है। दरअसल राज्य की सभी 59 सीटों पर चुनाव होना है, जिसमें दिल्ली की 3 सीट के लिए तो अधिसूचना भी जारी हो चुकी है। तो किसे लगेगा झटका और किसे मिलेगी जीत, देखिए ये रिपोर्ट। राज्यसभा में बीजेपी को करारा झटका लगता नजर आ रहा है। पार्टी के अभी राज्यसभा में 93 सदस्य हैं और बीजेपी के तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि जल्द ही ये संख्या 100 के पार पहुंच जाएगी, लेकिन हालात कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। बीजेपी की सीटों की संख्या बढ़ने की जगह कम होती हुई नजर आ रही है। अगले 5 महीनों में राज्यसभा की 59 सीटें खाली हो रही हैं, जिनमें से 28 यानी करीब आधी सीटें अभी बीजेपी के पास हैं, जिसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित आधा दर्जन से ज्यादा मंत्री भी शामिल हैं। और राज्यों में जो हालात हैं उसमें बीजेपी के लिए इस बार 28 सीटें जीतना मुश्किल दिखाई दे रहा है। खासतौर पर उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में बीजेपी को बड़ा झटका लगता नजर आ रहा है। यूपी में 10 सीटों पर चुनाव होना है, इनमें से 9 बीजेपी के पास हैं, लेकिन पार्टी अब यहां से 7 सीट ही जीत पाएगी। 3 सीटों पर सपा का कब्जा तय है। वहीं बीजेपी के हाथ से हिमाचल प्रदेश की सीट का फिसलना भी तय माना जा रहा है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में भी उसे करारा झटका लग सकता है, जहां उसके पास अभी 1-1 राज्यसभा सीटें हैं, लेकिन अब बीजेपी इन राज्यों में खाता खोलती भी दिख नहीं रही है। हाल में ही 3 राज्यों में बीजेपी को जीत मिली थी, लेकिन इस जीत का बीजेपी को ज्यादा फायदा नहीं हुआ, क्योंकि 2018 में इन राज्यों में लगभग यही स्थिति थी। साफ है कि राजस्थान चुनाव में भी बीजेपी को बड़ा नुकसान होता नजर आ रहा है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।